भंग होने के बाद जो चला गया था, उसके बाद लाखों रुपया, कई कई लाख रुपया पंचायत के अंदर इनकम हुई, चाहे वो जमीन से हुई चाहे कुछ सरकार ने भेजी। और जब नया सरपंच आया, उससे पहले वो जितने पैसे थे उसमें खर्च होकर के कई जगह तो हजारों में बैलेंस रह गया। वो जो पैसा इसके दौरान खर्च कराया गया, जबकि सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से प्रयास बहुत करे गए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई ऐसे प्रयास करे गए, भाई 25,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। कमेटी भी बनाई गई भी अगर 2 लाख रुपया जो है खर्च करेंगे तो कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसमें एसडीएम वगैरह थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने, जो उस टाइम पे सरपंच बने हुए थे, बीडीओ साहब हो गए, सेक्रेटरी हो गया, टेक्निकल जो जेई वगैरह हो गए, उन्होंने जो पैसा खर्च कराया वहां मौके पर विकास नहीं है, मौके पर वो पैसा नहीं लगा। उसमें अगर गलत हो तो मेरे को पकड़ लेना अगर मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन पंचायतों में, कई पंचायतें ऐसी जिसमें बैलेंस जीरो है, वो पैसा कहां गया, कौन खाया गया उसमें? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वहां उस टाइम का जो वीडियो लगा हुआ था, अब तो रिटायर टूर होकर चला गया, वो कम से कम भी 10-15 करोड़ रुपया हमारे ब्लॉक की पंचायत से, पंचायतों से कमा करके गया है। बेशक इंक्वायरी करा लो, वो तो यही रिकॉर्ड ही बता देगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं जानना चाहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, कोई इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि नहीं होगी, ये मैं जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो पंचायतवार हमने टोटल पेमेंट इस दौरान 15,49,53,150 रुपए इन पंचायतों में टोटल पेमेंट आई, किसी भी सोर्स से, चाहे पंचायत की ओन इनकम थी चाहे अदर फंड सरकार की तरफ से दिए गए, उसमें से 9,90,27,276 रुपए खर्च हुए और 5,59,25,000 वहां जब नई पंचायत आई उनको हैंडओवर जब लिया, उनके अकाउंटों में अलग अलग पंचायतों में थे। आपने कहा कि जो काम का ब्यौरा दिया गया है, कोई भी पंचायत अगर आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे चाहे उस दौरान अधिकारियों द्वारा या पिछली पंचायतों में सरपंचों द्वारा, तो उस दौरान जो भी पंचायत आप दीजिए उसकी जांच भी करवाएंगे, उसकी इंक्वायरी भी करवाएंगे। पंचायत नहीं कह रहे कि जो अधिकारी उस टाइम थे, चाहे वो वीडियो था, सेक्रेटरी था, जेई था, वो पैसा तो उन्होंने खर्च किया है, किसी सरपंच ने नहीं किया। तो ऐसी पंचायतें आप बताने का काम करें, अगर इनको लगता है कि उस पैसे का दुरुपयोग हुआ है तो उसकी जांच के आदेश देंगे, जांच करवाएंगे। सामने है स्पीकर सर, प्लीज तस्वीर सामने है, आप उसकी इंक्वायरियां करो ना वहां सारे की। नहीं, आप पर्टिकुलर सबकी चाहते हैं, सारी पंचायतों की चाहते हैं, सारे ब्लॉक का कह रहा हूँ ना। मुझे लगता है कि मैं तो पूरे हरियाणा का कह रहा हूँ, बल्कि नहीं मंत्री जी, कम से कम जो रादौर की इन्होंने बात की है जी, रादौर की पंचायतों के अंदर कहीं मिसयूज हुआ या गलत हुआ है, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने एक आरोप लगाया है जी जी, अगर उसकी इंक्वायरी हो जाए तो मेरा ख्याल है वो पूरे हरियाणा की इंक्वायरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जहां भी पहले संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में आया, कड़ी कानूनी कार्रवाई आपने देखा होगा पिछले इस समय के दौरान हमने करने का काम किया है। आज भी हमारे माननीय सदस्य का सवाल जो है करप्शन को लेकर है, आपको पता पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस पर हम काम करना चाहते हैं, आपका सहयोग रहेगा, आप लिख के दीजिए, हम उनकी जांच करने का काम करेंगे और जो इसमें गिल्टी होगा उसे पैसे की रिकवरी भी होगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा, इसी से संबंधित है कि जो ये ई, क्या बोल रहे, ई टेंडरिंग जो है, अगर मैं आपको इसमें तस्वीर दिखाऊं, मैं तार के ले आऊं, जो सामग्री ठेकेदारों के द्वारा उनसे, अधिकारियों से मिलके ऐसा है वो की जा रही है, उन्होंने अश्योर किया कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे, मतलब के और मुझे लगता है कि देख के भी ये होता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी पैसे भेज रहे हैं, मेरे हमारे पास भी आए हैं, हमारे ब्लॉक में भी आए हैं, रास्तों के लिए भी आए हैं, लगभग 5 करोड़ रुपया वैसे भी दिया है 5 करोड़ रुपया, लेकिन वो 5 करोड़ में से अगर वहां 2.5 करोड़ भी ना लगे फिर उसका क्या जवाब है जी?
वो उन्होंने कहा देने में कमी नहीं है, ऐसा है मंत्री जी ने कहा इंक्वायरी कराएंगे, तो मैं कहूंगा कि इसकी इंक्वायरी करा करके मुझे अगली जो विधानसभा की जो बैठक होगी उसके अंदर अगर रिपोर्ट आ जाएगी आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट, तो उस पर ठीक रहेगा। बिल्कुल हम माननीय सदस्यों को बताने का काम करेंगे, आप इनको बता दीजिए कहाँ। मैंने इनको बता दीजिए, लिख के भी दे रखी, लिख के दीजिए तो दे रखिए, आप दोबारा दे दीजिए एक बार, किन किन गांवों की है मुझे बता दीजिए। मैंने आपके पास लिख के दे दी थी, ठीक है, उसमें कहा है, उसमें जांच के आदेश दे देते हैं। अगर लिख के ना दियो तब कहो, उसमें जांच के आदेश दे देते हैं, जो भी इसमें लिप्त होगा जांच दोबारा फेर दूंगा, फिर तीसरी बार फेर दूंगा। ना 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 ना, मैं आपको 10 बार दूंगा, एक बार दे देना, एक बार दे चुका हूँ, दोबारा देने की जरूरत नहीं, एक बार और भी दे देता हूँ, दोबारा दोबारा एक बार दोबारा दे दो ताकि ठीक है जी, पहले पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची उनके पास, ठीक बच्चा नहीं जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद।